अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले अपने स्मॉल सेविंग अकाउंट्स के लिए पैन और आधार कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, यानी आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, जिसके बाद आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार जा सकती है। आदाब, आप देख रहे हैं इंक्वायरर सुड़े और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई और 31 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब आधार और पैन नंबर को जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, यानी जरूरी है। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन स्मॉल सेविंग अकाउंट्स में पैन और आधार कार्ड को सबमिट करवाएं, यानी लिंक करवाएं। अब आपको बताते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, जैसे PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इस तरह की कहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिनमें अब आपको आधार और पैन जरूरी जो है वो सबमिट करवाना होगा। मैंडेटरी है ये आपके लिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से निकाली गई है और ये चेंज जो है ये KYC का एक हिस्सा है। KYC यानी नो योर कस्टमर फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। इससे पहले की अगर बात करें, जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स में होती थी वो बिना आधार कार्ड की डिटेल्स के भी हो जाती थी, लेकिन अब आधार को कंपलसरी कर दिया गया है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ आधार और पैन जो है वो सबमिट करवा लें। लेकिन एक और नोटिफिकेशन जिसमें यह भी कहा गया है, पहले आधार कार्ड की बात हुई, अब पैन कार्ड की बात करते हैं, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैन कार्ड की डिटेल्स जो है वो फर्निश करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप 30 सितंबर तक अपना आधार सबमिट करवाएं। अगर नहीं करवाया तो फिर आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जिन्होंने पहले अपने अकाउंट्स वगैरह खोले हैं, अगर उन्होंने अभी तक नहीं करवाया तो वो आप करवा लें। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो साथ साथ ही अकाउंट खोलने के साथ साथ ही अपना आधार जो है इसके साथ सबमिट करवा लें। अगर वो साथ साथ नहीं करवाते हैं तो तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपना आधार कार्ड इसके साथ सबमिट करवा लें। इस नोटिफिकेशन में मजीद ये भी कहा गया है कि अगर कोई जो है वो इसे डिपॉजिट करने में यानी सबमिट करने में फेल होता है, कोई भी डिपॉजिटर अगर पैन की डिटेल्स सबमिट करने में जो है वो फेल होता है तो वो जो है उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। और इन्हें भी 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर आप भी अपना पैन कार्ड जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में मजीद ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने स्मॉल सेविंग अकाउंट्स में जो है पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो सबमिट नहीं किया है, वो अभी कर लें, अभी वक्त है, 2 महीने के अंदर अंदर कर लें। अगर आप नए अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके पास वक्त है, या तो साथ साथ ही करवा लें या फिर 2 महीने के अंदर अंदर करवा लें। लेकिन अगर आप इस 2 महीने के अंदर अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल सबमिट करवाने में नाकाम रहते हैं तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा और आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उस इन्वेस्टमेंट में भी आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये नोटिफिकेशन 30 मार्च को फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से निकाली गई और 30 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट बताई गई है कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टर्स हैं या जिनने इससे पहले इन्वेस्ट किया है या जो अब आने वाले वक्त में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो पैन और आधार को जो है वो सबमिट करवा लें, अपना इस अकाउंट से लिंक करवा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े।